गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रियांक 1909। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दे रहे होंगे। तो यस ऑफ कोर्स ठंड बढ़ गई है, तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने लोगों का भी ख्याल रखिए। और जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि ये पापा का रिटायरमेंट ब्लॉग है, तो ब्लॉग में बने रहिए और देखिए क्या कुछ है इसमें। तो इस ब्लॉग को शूट करने के लिए हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इस ब्लॉग के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप इस बार मिलिए हमारे एलेक्सा से, क्योंकि बाकी मेंबर्स तो कहीं ना कहीं ब्लॉग में आते ही रहते हैं, जो नहीं आते हैं वो दो लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनसे मिलते हैं। ये रही हमारी एलेक्सा, जो कम ही हमारे ब्लॉग पे आ पाती है, लेकिन इसकी आवाज़ हर वीडियो पे मिल ही जाएगी आपको आगे भी। और अभी भी ये बहुत शोर मचा रही थी तो लगा सबसे पहले इसे ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमारी भोली भाली गाय और गाय का बछड़ा। तो ये अभी एलेक्सा को लेके बाहर गए हुए हैं। तब तक मैं अभी बात करना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट तो हो गया है 30 नवंबर को, बट हम वीडियोस इतने सारे थे और क्लिप्स इतने सारे थे कि उसको उस चीज़ों को कलेक्ट करने में मुझे टाइम लग रहा था, और कलेक्ट करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था कि मैं इसे एडिट कर सकूँ। तो अभी थोड़ा वक्त मिला है तो चलो अब कर सकते हैं। अब हम लोग फाइनली फ्री हो गए हैं और पार्टी एक दिन का था नहीं, लगातार चल रहा था, तो जिस वजह से ढेर सारे फोटोज और वीडियोस आ रहे थे जिसको कलेक्ट करने में काफी टाइम लग रहा था। पर कोई नहीं, अब हो गया है तो अब हम करेंगे साथ में। ये आ गई हमारी एलेक्सा घूम फिर के, तो अब ये भी आ ही गए ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे फादर इन लॉ के बारे में कि वो क्या करते थे और कहाँ से उनको रिटायरमेंट मिला। तो आगे आप ही बताइए। तो मेरे फादर जो है वो SI इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस, और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पे हमारा घर है उसका जो PS है उसी PS है, पुलिस स्टेशन बरही पुलिस स्टेशन जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ही उनको रिटायरमेंट मिला है। गाड़ियाँ आई हैं पापा को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए, फिर वहाँ से पापा का फेयरवेल स्टार्ट होगा। चारपाई वही ठंडी पुरवाए रास्ता देखे दूध की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप चुनी ना छाओ कैसी तेरी खुद गर्जी किसी ढोर टिकी न पा। बन लिया अपना पैगंबर तर लिया तू सात समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया। मन मन की सुनता जाए सुनता नहीं मन वालों की मन ही मन में बनाए दुनिया ये एक ख्यालों की पास कोई आवे दूर कोई जावे होता है क्यों ये कोई समझावे। और इस बार हम लोग थोड़ा अच्छा खासा लंबी छुट्टी लेके आए थे, तो जिस वजह से अभी भी हम लोग घर पे ही हैं, और इस बार प्लानिंग है कि एटलीस्ट दिसंबर तक पूरे हम लोग घर पे रहे। तो इसलिए मैं आराम आराम से सारी वीडियोस कलेक्ट कर रही थी ताकि ये वीडियो बन पाए, और थोड़े लंबे टाइम के लिए बनाना है तो ऑफकोर्स थोड़ा अच्छे से बनाना चाह रही थी और आप सबको भी मिलवाना चाह रही थी, बट ऐसा हो नहीं पाया कि मैं उनके साथ कुछ वीडियोस ले पाऊँ क्योंकि बहुत बिजी चल रहे थे। और अभी तो पता चला ही गया कि वो पुलिस में, तो अब आगे बात करेंगे कि उनके रिटायरमेंट में क्या क्या हुआ
जिनको जिस चीज़ों को आप वीडियो के थ्रू तो देख ही लेंगे, लेकिन उनसे पहले पापा के बारे में ये बताना चाहूँगी कि हम लोग रिटायरमेंट पार्टी नहीं किए, एक्चुअली हम लोग उनके जर्नी को सेलिब्रेट किए। कितना उतार चढ़ाव था उनके लाइफ में और कितने मज़े से उन्होंने ड्यूटी किया और कितने लोग थे जो उनसे कितना खुश रहा करते थे। मैं तो नहीं सुनी थी, पर ये बताते थे कि जब उनका ट्रांसफ़र हो रहा था तो कहीं से अगर ट्रांसफ़र होता था तो जो वहाँ की लेडीज़ थी, इवन लेडीज़ जो लोग ज़्यादा थाना पे आती भी नहीं है, जेंट्स लोग ही ज़्यादा आते, वो लोग भी रो रही थी जब पापा का ट्रांसफ़र हो रहा था। तो ऑफकोर्स जब ट्रांसफ़र में ऐसा होता है तो रिटायरमेंट तो और सबके लिए इमोशन से भरा हुआ था, तो इसलिए टाइम भी लगा। और हम लोग बहुत खुश हैं और इस जर्नी को हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। इस जर्नी को क्या, अपने फादर इन लॉ यानी पापा का जर्नी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। ये रिटायरमेंट के दिन हमने पापा का ऐसे वेलकम किया और साथ ही साथ प्रेस की तरफ से सम्मान समारोह था और पापा की तरफ से अपने बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स के लिए पार्टी था। पापा का वेलकम हमने ढोल नगाड़े और फटाखों के साथ किया। फिर मम्मी और बुआ जी ने पापा का तिलक चंदन और माला पहना के उनका स्वागत किया। ब्लॉग चले गए जहाँ पे उनका सम्मान समारोह था, तो वहाँ की क्लिप्स मेरे पास ज़्यादा है नहीं इसलिए मैं उसे ऐड नहीं कर पाई। बस बहुत थोड़ी सी क्लिप है जिसमें मेरे पापा को अब फूल दे रहे हैं। समझी शैलेश कुमार सिंह जी पधार चुके हैं, एक अभी किस्मत से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और उनके उतार चढ़ाव खूब अच्छे से जाना और आज इस मुकाम पे हैं हम लोग कि जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग पापा के नाम से जाने जाते हैं। हमें अपना इंट्रोडक्शन देना भी नहीं पड़ता है कि हम कौन है, बस हमें देख के लोग पहचान जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए। इस जर्नी के लिए एक छोटी सी पार्टी तो घर पे बनती है, जहाँ हम सब शांत हो गए थे सारे बाहर के काम काज से, जहाँ पापा भी थोड़ा फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा कि एक बार घर पे तो थोड़ा सा पार्टी कर ही लेना चाहिए। तो ये थोड़ी सी है सेलिब्रेशन घर पे। जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में, सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। ओ, ओ, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिल। फिर यहाँ हम अपनी एलेक्सा को कैसे भूल सकते हैं। तो जब हम सब केक खा लिए तो फिर एलेक्सा को बुलाया गया, फिर एलेक्सा को खिला के केक, उसके बाद उसकी फ़ोटोशूट हुई। सब होने के बाद पापा अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे हम सबके सामने कि उन्होंने कैसे इतना सब कुछ हैंडल किया और कैसे ये सब अचीव किए। तो ये हमारे लिए बहुत ही थोड़ा इमोशनल मोमेंट था,
जहाँ वो अपना शेयर कर रहे थे अपनी लाइफ जर्नी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये है हमारे स्नैप्स। थैंक यू।